हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि एक इंटेलिजेंट यानी कि जीनियस इंसान अपने साथ करता रहता है। और क्या आप इंटेलिजेंट हो, इस वीडियो के लास्ट तक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो शुरू करते हैं बिना इंट्रो सिंट्रो लगाए। नंबर 1, बहुत सारे लोग समझदार होते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो समझदार हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे साइन बताने वाला हूँ जो कि अगर आपके साथ मैच करते हैं तो आप समझ जाना कि आप भी एक अच्छे इंसान यानी कि जीनियस लोगों की कैटेगरी में आते हो। तो नंबर 1 आता है कि उनका दिमाग ही अपना खुद का व्यापार होता है, यानी कि वो बाहरी लोगों से बात करने से ज़्यादा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति को बोलोगे कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं, कहीं बात करके आते हैं, तो वो उसे करना पसंद नहीं होगा, वो अपने ही दुनिया में मस्त रहना चाहता है और यह तक काफ़ी अच्छी बात भी है। नंबर 2, एक इंटेलिजेंट इंसान के पास बहुत ही हाई क्लास का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, यानी कि अगर आप उससे बात करोगे तो आपको 5 मिनट के अंदर 10 बार जरूर हंसाएगा, वो भी बिना जोक मारे। वो बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बताएगा फनी जो सुन के आप बहुत जल्दी इम्प्रेस हो सकते हो। तो ये भी एक साइन है कि इंटेलिजेंट लोगों के पास बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, वो बातों ही बातों में आपको हंसाने की क्षमता रखते हैं जो कि बहुत ही कमाल की बात है। नंबर 3, ये तीसरा साइन है कि दे टॉक देमसेल्व्स, यानी कि वो खुद से ही बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसा कि मैंने पहले टॉपिक पे बताया कि वो दूसरों से बात करने से ज़्यादा अकेले में टाइम बिताना पसंद करता है, तो उसी हिसाब से वो खुद से ही बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, यानी कि वो दूसरों से बात करने से ज़्यादा वो अपने सवालों में ही इतना उलझा रहता है कि उसे दूसरों से बात करने के लिए वक्त ही नहीं होता। नंबर 4, ये साइन तो मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों के साथ मैच करने वाला है, और वो ये है कि जब भी वो खाली होते हैं तो अपने 99% टाइम में वो म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो म्यूजिक कैसा है, लेकिन अगर आप खाली होते हो तो क्या आपको म्यूजिक सुनना पसंद है? और अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करके बता दो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी एक साइन है कि आप एक जीनियस इंसान हो, आपको खाली समय वेस्ट करने से ज़्यादा आपको म्यूजिक सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो ये भी एक साइन था जो मैंने आपको बताया। नंबर 5, बहुत सारी रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि जो भी इंटेलिजेंट यानी कि जीनियस लोग होते हैं वो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में ज़्यादा बिलीव करते हैं, यानी कि वो मेहनत वाले काम के बजाय वो ऐसा काम करना पसंद करते हैं जिनमें उन्हें कम मेहनत लगे और वो काम आसानी से हो जाए, यानी कि एक तरीके से वे आलसी की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि टीवी का रिमोट किसी आलसी इंसान ने ही बनाया था, क्योंकि उसे बार बार उठ के जाके टीवी बंद करना पड़ता था, तो उसने जो है रिमोट का आविष्कार कर दिया ताकि बैठे बैठे टीवी बंद कर दिया जाए। तो इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क, यानी कि वो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क को है तवज्जो देते हैं। नंबर 6, वो अपनी गलतियों को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे गलती होती है और ये पता होने के बावजूद भी कि उनसे गलती हुई है, उनकी ईगो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने देती कि गलती उनकी है। उन्हें लगता है कि वो ऐसा करके नीचे झुकने वाले हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंट इंसान दूसरों के सामने ना सही लेकिन अपने अंदर तो ये बात एक्सेप्ट करता है कि हाँ, ये गलती मुझसे ही हुई है और अगली बार हो सकता है कि ऐसा ना हो। तो ये भी एक साइन है जो कि ये बताता है कि आप एक जीनियस इंसान की कैटेगरी में आते हो। और अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से लक्षण आपके साथ मैच करते हैं। और अब बात करते हैं सबसे लास्ट नंबर के बारे में, और वो ये है कि वो हमेशा जवाब की तलाश में रहते हैं। उनका दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और वो एक दिन में करीब 10,000 से 20,000 सवाल पूछ जाते हैं, और वे हमेशा उन सवालों के जवाब के लिए परेशान रहते हैं, यानी कि उनको हमेशा सवालों के जवाब चाहिए होते हैं, चाहे वो छोटे सवाल हों या फिर बड़े। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि 7 ऐसे साइन जो कि एक इंटेलिजेंट लोग के अंदर होते हैं, इनमें से आपके साथ कितना मैच करता है वो नीचे कमेंट करके सबको बता दो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ दिन, गुड बाय।